हेलो फ्रेंड। तो वेल, आज हम लोग पाकिस्तान में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस के तरफ बढ़ रहा है और अब वहां चाय से लेकर पेपर जैसी चीज़ों की किल्लत होने लगी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान में चल रहे पेपर क्राइसिस के बारे में। जी हाँ, पाकिस्तान में पेपर की किल्लत होने लगी है, जिसके चलते पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को इस साल के न्यू एकेडमिक सेशन में नई किताबें मिलना मुश्किल हो जाएंगी। पाकिस्तान पेपर एसोसिएशन का कहना है कि दुनिया में बढ़ती महंगाई और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज़ के चलते मुल्क भर में पेपर को लेकर क्राइसिस हो सकता है। अब पाकिस्तान में ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल पाकिस्तान में जो पेपर इंपोर्ट होता है उसमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देती है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है क्योंकि पाकिस्तान जब दूसरे मुल्क का कर चुकाता है तो उसके पास आमदनी कम हो जाती है, तो आमदनी बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि पेपर का दाम बढ़ जाता है और इसी के चलते पाकिस्तान की पेपर और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज बंद होने लगी है। पाकिस्तान पेपर एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क भर में जल्द ही पेपर का शॉर्टेज देखने को मिल सकता है। दरअसल पाकिस्तान को ऐसा दिन इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान में चाय की ज़्यादा खेती नहीं होती है, फिर भी पाकिस्तान के लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। पाकिस्तान में हर रोज़ ऑन एन एवरेज हर बंदा 1 लीटर चाय पी जाता है, जिसके चलते हर साल पाकिस्तान को चाय इम्पोर्ट कराने के लिए $646 मिलियन खर्चना पड़ता है। पाकिस्तान अब लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पर भी बैन लगाना शुरू कर दिया है। अब ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान कार से लेकर फ्रूट जैम जैसी 30 लग्जरी आइटम्स की इंपोर्ट पर बैन लगाने वाला है। लेकिन पाकिस्तान चाय खरीदने के लिए डॉलर लाएगा कहाँ से? उसके पास तो खुद डॉलर की कमी है। पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ $10 बिलियन का ही फॉरेन रिजर्व है, जिसके चलते पाकिस्तान को चाय इंपोर्ट कराने में भी परेशानी हो रही है। खैर, यहाँ से हमारा वीडियो ख़त्म होता है और मेरा मकसद वीडियो के जरिए किसी कंट्री का मजाक उड़ाना नहीं है। मैं बस रियलिटी दिखा रहा हूँ और थोड़ी बहुत तो मजाक चलती है यार। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।